नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई हर उस छोटी बड़ी बात पर जिसके जरिए आप अपने निवेश को और बेहतर बना सकते हैं और साथ ही साथ अपनी निवेश की जर्नी को और आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी फाइनेंशियल की प्लानिंग कर सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं जो कि आपको आपके सवालों के जवाब तो देते ही हैं, साथ ही साथ वो आपके अलग अलग रैंडम टॉपिक्स के ऊपर भी बातचीत करते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएंगे जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए आप जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल आप करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी सर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी और साथ ही साथ उनसे हम रैंडम टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा करते रहेंगे। अगले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ राजन शर्मा साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए। राजन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मैं ना अपने एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अपने बेटे की ना स्टडी पर्पज के लिए। ओके, तो मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ और समवेयर आई वांट टू इन्वेस्ट 25 लाख और प्रिसाइजली फॉर माय किड्स एजुकेशन, उसके लिए करना चाहता हूँ। और इन्वेस्टमेंट टेन्योर रहेगा 8 से 10 साल का और मैं अपना इस पर्टिकुलरली इस इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क प्रोफाइल करना चाहता हूँ। इससे पहले जो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसका जो कॉर्पस है अभी अप्रोक्सीमेटली 60 लाख का है मेरे पास अभी तो, लेकिन ये जो मैं अप्रोक्सीमेटली जो 25 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 25 लाख वो मेरे किड की एजुकेशन के लिए है। तो जिसका मैंने आपका एक पोर्टफोलियो जो मैंने आपकी वीडियो देख के जो नैरो डाउन करा है वो मैंने आपके साथ भेजा है, तो मेरे से आपसे ये एडवाइस लेनी है कि वो पोर्टफोलियो ठीक है या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कोई ऑल्टरनेट पोर्टफोलियो विद इन दी कैटेगरी या आपको नई कैटेगरी मेरे को सजेस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो राजन सर ये जो आप नया निवेश करना चाह रहे हैं ये एक मुश्त होगा? ये सिप के, वो भी मेरे को समझना है कि एक मुश्त करा जाए या सिप के थ्रू करा जाए जो अप्रोक्सीमेटली 25 लाख में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 years, क्योंकि जब जैसे मेरा बेटा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में होगा तो एक बिग अमाउंट मेरे को एक अमाउंट उस टाइम चाहिए होगी उसके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पर जो कि 8 से 10 साल बाद आएगी, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज और राजन सर, जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है आप उसको इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं, राइट? हाँ, मैं इसको सेपरेट रखना चाहता हूँ, उसको सेपरेट रखना चाहता हूँ। वो मेरे मतलब मेरे और मेरी वाइफ हमारे पर्पज के लिए, रिटायरमेंट पर्पज के लिए या दूसरे जो अदर मेजर माइलस्टोन्स होंगे उसको मैं इससे सेपरेट रखना चाहता हूँ एजुकेशन वाले इन्वेस्टमेंट से। चलिए, तो क्या करना चाहिए सर? इनके जो सवाल है रुस्तगी सर वो यही बहुत क्लियर है कि इन्होंने दो पोर्टफोलियो अलग अलग रखे हुए हैं और इन्होंने जो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए जो कि 8 से 10 साल का टाइम फ्रेम है उसमें एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के साथ ये 25 लाख रुपए का निवेश करना चाह रहे हैं। तो दो सवाल, पहला तो ये एक पुश्त करें या इसमें SIP करें, दूसरा इन्होंने जॉट डाउन किए हैं कुछ फंड्स और उन्होंने आपको शेयर भी किए हैं हेमंत सर, तो आप वहां पर उनको चेक करिए कि क्या ये फंड सही है, उसमें फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, ग्रोथ फंड है और कोई भी सेक्टोरल फंड नहीं है। अच्छी चीज ये है। सो क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित, यहाँ पे दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहली बात, जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इनका अपना पोर्टफोलियो है उसको अलग रखा है और ये जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं वो बच्चे की एजुकेशन के लिए बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही तरीका है, इसी तरीके से पोर्टफोलियो बनना चाहिए। जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव वही होता है कि हर गोल का पोर्टफोलियो अगर आप अलग से रखें तो उसमें ओवरलैप नहीं होता है, उसमें कहीं मिक्सअप नहीं होता है और उसको ट्रैक करना आसान है। तो आई थिंक ये जो अप्रोच है अलग से पोर्टफोलियो बनाने की वो बिल्कुल सही है। दूसरी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे कही कि इनका 8 से 10 साल का समय है, तो अगर मैं 10 साल का समय मान के चलूं, इन्होंने कहा कि इनका जो रिस्क प्रोफाइल इस पर्टिकुलर गोल के लिए मॉडरेट है। देखिए राजीव जी, दो चीज इम्पोर्टेंट बोलना चाहता हूँ। आपने जो गोल जो जो फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं उसमें स्मॉल कैप फंड भी है, मिड कैप फंड भी है जिसमें आप 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो जो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 40% है। तो जाहिर सी बात है कि आप जिस तरीके का पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो डेफिनेटली मॉडरेट नहीं है, क्योंकि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है और उसमें जो ज्यादा एग्रेसिव सेगमेंट है उसमें आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि आपको इसमें एक्चुअली मॉडरेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास 10 साल का समय है, पहली बात। दूसरी बात,
क्योंकि आप एजुकेशन के लिए पैसा लगा रहे हो, तो आप ये बात समझ के चलिए कि जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है 6-7% का, एजुकेशन इन्फ्लेशन उससे कहीं ज्यादा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो को एक हेल्दी ग्रोथ से, हेल्दी रेट से ग्रो कराएं। तो मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मॉडरेट होने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास समय है, सबसे बड़ा एडवांटेज आपका वो है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर इक्विटी में भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है। दूसरी बात, अगर जो हम उनके पोर्टफोलियो की बात करें, इन्होंने 3-3 फंड कुछ कैटेगरीज के चुने हैं, कुछ एक में जैसा उन्होंने मांगा है कि और कौन सा फंड हो सकता है, तो मैं वहां से शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे फ्लेक्सी कैप में अगर आपने 2 फंड लिए हैं, पहले हम 3 फंड की बात करते हैं, फिर देखते हैं कि मेरे हिसाब से कौन से फंड उसमें होने चाहिए। तो एक और फंड जो फ्लेक्सी कैप में आप ऐड कर सकते हो वो है HSBC का फ्लेक्सी कैप। मिड कैप में 2 फंड आपने ऑलरेडी चुने हैं, एक फंड जो आप ऐड कर सकते हो वो इन्वेस्टको का मिड कैप। उसके बाद आपने बैलेंस एडवांटेज दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप जो मॉडरेट बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा ये मानना है क्योंकि समय है आपके पास, तो उसके बदले में अगर आप एक मल्टी कैप कैटेगरी देखें तो वो ज्यादा बेहतर है। उसमें 3 फंड जो आप देख सकते हो यूनिवर्स, वो कोटक मल्टी कैप है, HFC मल्टी कैप है और HSBC मल्टी कैप है। तीसरा चौथा जो है आपने एक फंड चुना है इंडेक्स फंड निफ्टी लार्ज मिड 150 का। मेरा ये मानना है कि आप एक्टिवली मैनेज फंड में जाएं, उस कैटेगरी में बहुत अच्छे फंड हैं, जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर, ये ऐसे फंड हैं जो एक्टिवली मैनेज फंड होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये कैटेगरीज हैं, इनको आप देखिए। अब मैं बताता हूँ आपको कौन से फंड आप देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि फ्लेक्सी कैप में आप HSBC फ्लेक्सी कैप देखिए, मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप देखिए, लार्ज एंड मिड में अगर आप देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड देख सकते हैं आप, और स्मॉल कैप में जैसे आपने चुने हैं वो बंधन स्मॉल कैप को आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फंड हैं जिनसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, क्योंकि ये वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो क्या हम लमसम करें या फिर इसको थोड़ा सा स्टैगर मैनर में करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि हालांकि आपके पास समय है, क्योंकि मार्केट के जो लेवल्स हैं और थोड़ी से कंसर्न भी है थोड़े वैल्यूएशन के, तो मेरा ये मानना है कॉम्बिनेशन बनाइए आप। 30% पैसा जो है वो आप 30-40% आप लमसम डाल सकते हैं इन 5 फंड में जो चुने हैं, और बाकी जो पैसा है वो 6 महीने में आप STP के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए। उसका फायदा क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर चलता गया तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट 40% पैसा आपका ही लेवल पे जाएगा, लेकिन अगर आगे जाके मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, गिरावट होती है, तो आपको ये भी मौका मिलेगा कि आप नीचे के लेवल पे इसको एवरेज कर सके। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन बनाइए, कुछ पैसा जैसे मैंने कहा लमसम में और बाकी STP में इन्वेस्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट फिर से मैं कहना चाहूंगा, आपको बहुत ज्यादा मॉडरेट होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने जो कॉम्बिनेशन रखा है वो मॉडरेट है नहीं, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन ज्यादा है, आपको उसको बीट करना है, तो आपको एक थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना है। तो इतना मॉडरेट होने की जरूरत आपके लिए है नहीं, आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा लंप करिए, थोड़ा सा SIP करिए, और जो फंड्स आपके सामने रखे गए हैं आप इनको अपने बतौर निवेश के लिए चुन सकते हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब हेमंत सर दे पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बातचीत कर लेते हैं पंकज जी से, जो कि हमारे साथ गढ़चिरौली महाराष्ट्र से मौजूद है। पंकज सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर, पंकज बासागढ़ बोल रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र से। नमस्कार पंकज जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे को आपने ये कॉल पे लिया। थैंक यू पंकज जी, सवाल पूछिए। हेलो जी पंकज जी, सवाल पूछिए। जी सर, मैंने ये जो UPI निफ्टी 50 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड 7000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ओके। ICICI प्रोडेंट के वैल्यू डिस्कवरी फंड में 7000 का इन्वेस्टमेंट किया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 7000 का इन्वेस्टमेंट किया है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 5000 का इन्वेस्टमेंट किया है, बंधन स्मॉल कैप फंड में 4000 का इन्वेस्टमेंट किया है। हेलो जी जी जी। और टाटा स्मॉल कैप फंड में 4000 का इन्वेस्टमेंट किया है। सर मेरा टोटल पोर्टफोलियो 34000 का है। ओके। और सर मेरे को 6 साल में मेरे को एक होम हाउस बनाना है मेरे 6 साल में, तो सर ये जो अमाउंट है इससे 35 लाख तक मेरी अमाउंट हो सकती क्या? 6 साल के अंदर, राइट सर? 6 साल के अंदर 35
लाख अमाउंट हो सकती क्या, और 20 साल में ये कंटिन्यू रखूंगा। और ओके ओके, तो हेमंत सर 34,000 रुपए की SIP है जो कि इन्होंने इसी महीने शुरुआत की है, और 6 साल के अंदर इनको घर के लिए करीब करीब 35 लाख रुपए चाहिए। 20 साल तक ये अपनी SIP को कंटिन्यू करेंगे ये इनका कहना है, और इनकी SIP में मेजरली 4 में से 4 फंड जो हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप हैं, जो कि अपने नए रिकॉर्ड्स पर ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए ना? देखिए, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि इनकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, 6 साल के बाद कुछ पैसा चाहिए, और फिर बाकी जो मुझे समझ में आया वो ये है कि बाकी को 20 साल तक रख सकते हैं। तो पहले तो अगर मैं कहूँ कि ये पूरा पोर्टफोलियो अगर 20 साल तक रखें, हम 12% का रिटर्न मान के चले, तो करीब करीब 3,20,00,000 रुपए का पोर्टफोलियो बनेगा। अब चूंकि इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें 6 साल और उसके बाद फिर 14,000। तो अगर हम 1 साल की इनकी इन्वेस्टमेंट देखें रफली, तो करीब 4.25 लाख की होती है, तो 6 साल में मुझे लगता है कि इनका जो गोल है 35 लाख का वो पूरा हो जाएगा। तो उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती, बट क्योंकि ये ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो है और मैं इसको 20 साल के हिसाब से देख रहा था, बट अभी इन्होंने कहा कि 6 साल में इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो कर सकते हैं उसमें कंटिन्यू, क्योंकि आगे भी इनके पास समय है। तो ये एक गोल तो पहले वाला डेफिनेटली अचीव होगा, दूसरे में ऑब्वियसली थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो अब 14 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से बढ़ सकेगी। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो कंपोजिशन की बात करूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ फंड टोटल 6 है, आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फंड नहीं है, लेकिन जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में, जैसे आपने भी कहा कि थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा है इसमें, तो वो थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं। इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, एक बंधन स्मॉल कैप फंड और एक टाटा स्मॉल कैप फंड है, तो उसमें से एक स्मॉल कैप फंड को आप रखिए, बंधन स्मॉल कैप को, और टाटा स्मॉल कैप के सामने में अगर आप एक मल्टी कैप फंड रखें, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे तीनों मार्केट सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलता है, उनके पोर्टफोलियो में है नहीं, तो वो एक रखें तो ठीक रहेगा। HSBC मल्टी कैप फंड देख सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के सामने। फिर इन्होंने एक इंडेक्स फंड रखा है, वो जो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड 150 का है, तो मुझे लगता है वहां पे भी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मिड कैप का इंडेक्स फंड है, इनके पास एक एक्टिवली मैनेज फंड है मोतीलाल का ही, और एक पैसिवली मैनेज फंड है मोतीलाल का ही, तो क्योंकि एक ऑलरेडी एक्टिवली मैनेज फंड है वो बेहतरीन फंड है, आई थिंक वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है इसमें मिड कैप सेगमेंट में, उसमें आप कंटिन्यू कीजिए, और जो इंडेक्स फंड है मिड कैप का उसके सामने में आप उसी फंड है उसका लार्ज एंड मिड देखिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लार्ज कैप में अपने एक्सपोजर को बढ़ाएं। तो ये कुछ बदलाव इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट वो आपको करने हैं, और बाकी जैसा मैंने कहा कि पहला गोल तो डेफिनेटली अचीव होगा, और आगे में भी 14 साल का समय तो अच्छा खासा वर्कवर्क जो है बना पड़ेगा। तो आपको कुछ फंड्स में निवेश करने की जरूरत है, आपके गोल अचीव हो भी सकते हैं, और अगर आप ज्यादा समय रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर आपकी सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़े पोर्टफोलियो के लिहाज से। लेकिन ये कुछ फंड्स हैं और कुछ रणनीति आपको बताइए हेमंत सर ने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आनंद जी से बातचीत करते हैं, विजयवाड़ा से हमारे साथ मौजूद है। आनंद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते नमस्ते सर, थैंक यू मुझे समय देने के लिए। थैंक यू आनंद जी कॉल करने के लिए, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो आप लोगों को पहले भेजा था। हाँ जी, तो अगर आप, हाँ जी, तो मुझे ये पूछना था, पहले तो ये वाले फंड्स जो हैं अलोकेशन हर एक कैटेगरी के हिसाब से ठीक है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है या नहीं? ओके। दूसरा सवाल मेरा था कि ये मोतीलाल ओसवाल और निपॉन दोनों का ही अभी मोमेंटम 550 इंडेक्स फंड आ रहा है, ठीक तो है। वैसे मैं पिछले 1.5 साल से निवेश कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई NFO में निवेश किया नहीं है, बट ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है और साथ में मेरे प्रोफाइल में अभी तक ऐसा कोई फंड नहीं है, प्लस ये अपनी इंडेक्स में भी नया है, तो इसमें पैसे लगाने चाहिए बाई एन SIP ऑफ 6,000 रुपया मंथली, वो पूछना था। Okay. और 23 साल का मेरी अवधि है और 20% मैं स्टेप अप कर सकता हूँ हर साल। ओके। तो आपकी एग्जिस्टिंग SIP जो है आनंद जी वो 85,200 रुपए के आसपास की है, राइट? सर ये जो एग्जिस्टिंग SIP है ये मेरी अभी 85,000 की है सर। ओके। और आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 14 लाख के आसपास का है? हाँ, 14 लाख रुपया मेरे पिछले 1.5 साल में इकट्ठा हो गया। ओके। और आपने 6,000 रुपए की एडिशनल SIP की बात की है?
हाँ सर, छह दो सवाल थे मैंने जो भेजे, एक अच्छा, तो दो अलग अलग, हाँ दो अलग सवाल है। एक तो ये अच्छा मोमेंटम में 6,000 डालना है, ये डालूं या नहीं डालूं आपका है, और इसके अलावा 10,000 मुझे और इंक्रीज करना है ताकि मेरी लाख रुपया तक SIP आ जाए, तो वो मैं इसमें डालूं एग्जिस्टिंग फंड में डालूं या कोई और नए फंड में डालूं। चलिए तो हेमंत सर, सवाल पूरी तरह क्लियर है। 39 साल इनकी उम्र है, करीब 85,000 रुपए की SIP है, ऑलरेडी 14 लाख का पोर्टफोलियो है, 10,000 की एडिशनल SIP क्या एग्जिस्टिंग फंड्स में डालें या कोई नए फंड में डालें, पहला सवाल ये है। 23 साल इनका टाइम फ्रेम है, कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, जबकि 20% सालाना स्टेप अप कर सकते हैं, इनका रिस्क प्रोफाइल खुद इन्होंने कहा कि एग्रेसिव है। और दूसरा, दो फंड जो नए आ रहे हैं जिसमें मोतीलाल ओसवाल का Nifty 500 और निपॉन का 500, इनमें 6,000 की एक और एडिशनल SIP करने की बात इन्होंने की है, क्या ये फंड इनके लिए ठीक रहेंगे, आप राय दीजिए। जी आई थिंक यहाँ पे दो तीन सवाल है, तो पहले जो इनकी SIP जो है उसके ऊपर बात करते हैं, वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे और किस तरह की अप्रोच इनकी होनी चाहिए। तो जैसा हमने कहा कि 85,000 की इनकी SIP एग्जिस्टिंग है, 6,000 रुपए वो एक नए फंड में लगा सकते हैं, वो पूछ रहे हैं कि लगाना चाहिए कि नहीं, तो मतलब उनके पास कैपेसिटी है वो इन्वेस्ट करने की, और साथ में और 10,000 और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो करीब करीब इनकी जो टोटल SIP हो जाएगी वो 1,01,000 रुपए की हो जाएगी। इनकी जो एग्जिस्टिंग जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो 14 लाख का है। तो दो चीजें पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कहां तक ये पहुंच पाएंगे, फिर हम पोर्टफोलियो कंपोजिशन पे आ जाएंगे। अगर ये स्टेप अप नहीं करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट को मैं कंसिडर करूँ SIP प्लस इनका जो टाइम रहा है 23 साल प्लस जो 14 लाख की जो लमसम इन्होंने एक्यूमुलेट किया है वो करीब 15.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि वो 20% से अपनी SIP को स्टेप अप कर पाएंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, साथ ही मैं चाहूंगा कि ये समझें कि ये अमाउंट काफी बड़ा हो जाएगा अगर ये 20% से इन्वेस्ट करेंगे। मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर रहा हूँ, तो कॉर्पस तो बड़ा होगा ही लेकिन इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा, बट अगर वो ऐसा कर पाए तो देखिए क्या होगा कि उनका जो कॉर्पस है वो करीब 90 करोड़ तक पहुंच जाए 23 साल में, अगर आप 20% से स्टेप अप करते हैं करंट लेवल से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं विदाउट सेटअप 15 में है, आप यहाँ पे 90 में पहुंचेंगे, तो यही इसलिए हमेशा कहते हैं कि कोशिश कीजिए स्टेप अप करने के लिए। तो आई थिंक वो काफी बड़ा इम्पैक्ट इनके पोर्टफोलियो पे आने वाला है। अब इन्होंने कहा कि जो दो नए फंड आए हैं 500 मोमेंटम 50, देखिए ये स्मार्ट बीटा फंड होते हैं, इसमें एक मिक्स होता है एक्टिव और पैसिव दोनों का, क्योंकि जो 50 फंड है वो मोमेंटम के हिसाब से चुने जाते हैं। ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है उस निवेशक के लिए जो एक्सपीरियंस हो, इनको सिर्फ 1.5 साल हुआ है, इनको एक लंबा पोर्टफोलियो बनाना है। तो मेरा ये मानना है कि जो नॉर्मल वेल डाइवर्सिफाइड फंड है उनमें आप इन्वेस्ट करें तो बेहतर है, क्योंकि इनमें समय समय पे आपको बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो वैल्यू इंडेक्स हो चाहे वो मोमेंटम इंडेक्स हो। तो मुझे लगता है कि शायद अगर उससे आप दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो आप एग्जिस्टिंग फंड, आपका जो मल्टी कैप फंड है एडलवाइज, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये 6,000 भी क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ फंड्स हैं आप उन्हीं फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दो तीन बदलाव मैं इनको कहना चाहूंगा यहाँ पे, इनके पास 2 लार्ज कैप फंड है, एक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप फंड है और एक क्वांट का लार्ज कैप फंड है, कुल मिलाकर 16,000 की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक फंड भी रखें तो मुझे लगता है वो सही होगा, दोनों फंड अच्छे हैं, उनमें से कोई भी फंड आप रख सकते हो। दूसरा, इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, क्योंकि लार्ज कैप में ऑलरेडी 16,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो वो 2 फंड जो है फ्लेक्सी कैप के मुझे लगता है उसके बदले में अगर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड रखें तो बेहतर रहेगा, वहां पे आप चाहे तो HDFC का लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हो। तो दो बदलाव और न्यू फंड ऑफर का जहां तक सवाल है, मुझे लगता नहीं कि वो आपके लिए स्टेज पे वो सूटेबल है। तो आनंद जी, एक भरपूर तरीके से या फिर एक डिटेल में आपको हेमंत सर ने समझाया कि आप किस किस फंड में निवेश कर सकते हैं, किन से दूर रह सकते हैं, और जो फंड के निवेश की आप चाहत रख रहे हैं उसमें आपको क्यों निवेश नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी हेमंत सर ने आपको राय दी। और बाकी आप अगर इस तरह के बड़े अमाउंट के साथ अपनी SIP बढ़ा सकते हैं तो एक अच्छे बड़े कॉर्पस के साथ आप एंड अप करेंगे 23 साल बाद, तो आप उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, हेमंत सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, साथ ही साथ कुछ और दर्शक उनके सवाल और बहुत सारी चर्चा एक ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ हेमंत सर मौजूद है जिनसे आज हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों पर, और साथ ही साथ रैंडम टॉपिक्स पर भी चर्चा हो रही है। एक और सवाल आया है संदीप जी का,
ये जोधपुर से सवाल आया है, इनका करीब 4,000 रुपए के एक SIP है, 2,000 के एडिशनल SIP करना चाह रहे हैं, 20 साल में कितना कॉर्पस हासिल कर लेंगे, ये इनका सवाल है, और 20 साल के लिए क्या इनके फंड सही हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लक्ष्य साध रहे हैं, इनके पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है और क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है और ICICI का मल्टी एसेट फंड है। सो हेमंत सर, इनके फंड्स का सिलेक्शन तो सही है और ये नई SIP भी करना चाह रहे हैं, क्या राय रखते हैं आप? देखिए सर, यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनका 4,000 की इन्वेस्टमेंट है, 2,000 की और ऐड करना चाहते हैं, 20 साल का समय है, तो जाहिर सी बात है इतने लंबे समय के लिए, स्पेशली क्योंकि SIP से इन्वेस्ट करें तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। अगर मैं ये बात करूँ कि मान के चलो कि अगर 12% का इनका एनुअलाइज अगर रिटर्न मिलता है तो इनका जो कॉर्पस जो बनेगा 20 साल के बाद, इन्हें 6,000 की SIP पे बात कर रहा हूँ, तो करीब 55 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे पहली बार। दूसरी बात, इनके फंड में देखिए 4,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें एक स्मॉल कैप फंड भी है, उसमें एक मिड कैप फंड भी है, मल्टी एसेट मुझे लगता है कि 20 साल के लिए वो सुटेबल है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, नंबर ऑफ फंड बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि वो तो 2,000 रुपए ऐड भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके तीनों सेगमेंट मार्केट के उनमें सही एक्सपोजर हो और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपके हाथ में नहीं है बल्कि फंड मैनेजर के हाथ में हो, जो समय समय पे डिपेंडिंग ऑन किस तरह की मार्केट है उसके हिसाब से वो इसको रीएलोकेट करते रहे। तो मुझे लगता है कि शायद अगर थोड़ा बदलाव करेंगे पोर्टफोलियो में तो बहुत अच्छा रहेगा। तीन कैटेगरी के फंड रखें अपने पास, एक मल्टी कैप फंड जिसमें कोटक मल्टी कैप में 2,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, एक लार्जर मिड कैप जहां पे मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कर सकते हैं, और एक और लार्जर मिड कैप बंधन को जिसमें 2,000, तीन फंड में 2,000 की इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर ये मुमकिन है आपके लिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके तो वो भी बढ़ाइए, इन्हीं तीन फंड के अंदर आप उसको बढ़ा पाएंगे। पहले के जो फंड है बिल्कुल अच्छे फंड है आपके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक आम निवेशक के लिए उसको बार बार लार्ज मिड और स्मॉल में रीबैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए शुरुआत से जो लंबे समय तक आपके लिए जो कामयाब सिद्ध हो सके। तो मुझे लगता है ये थोड़ा रीवैल्यू कीजिए पोर्टफोलियो को, और जैसा मैंने कहा 55 लाख का कॉर्पस 20 साल के बाद बना पाएंगे। तो थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ी रणनीति आपको बताई गई है हेमंत सर की तरफ से, आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। हेमंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। जाने से पहले जो टॉप 4 फंड हेमंत सर ने हमें सजेस्ट किए थे वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे, अगर आप नए निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके साथ अपने निवेश शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल योर मनी को भी समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।